हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज जैसे बड़े चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बाकी जो रेशियोज बच्चे हुए उसको पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करते हैं स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट नंबर एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की तरह ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू हंड्रेड और अगर आपको ऑपरेटिंग <coughs> प्रॉफिट नहीं पता कैसे निकलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करोगे ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको बता ही दिया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डेप्रीशिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं तो सबसे अच्छा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं जो मुझे बहुत आसान भी लगता है वो ये वाला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला दोगे तो आएगा हंड्रेड परसेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को अगर आप ऐड करोगे दोनों का सम आप अगर करते हो तो वो आएगा हंड्रेड परसेंट अगर एक सत्तर परसेंट है तो दूसरा थर्टी परसेंट होगा एक एट्टी परसेंट है दूसरा ट्वेंटी परसेंट होगा एक नाइनटी परसेंट होगा दूसरा टेन परसेंट होगा आप अपने फॉर्मूले से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लो फिर आप हंड्रेड में से माइनस कर दो जो रेशियो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा दैट्स इट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में इतना ही है तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं आप वीडियो पॉज करके फॉर्मुले नोट कर लो व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इस इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 76.50 अगर ये 76.50 है तो आप 100 से माइनस कर दो 76.5 तो ये आएगा 23.5 तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग दोनों को ऐड करके एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में दोनों को जोड़ के 100% होता है अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाइन लाख है ग्रॉस प्रॉफिट है पच्चीस ही नहीं है तो जीपी ऑन सेल में कन्वर्ट कर दो अगर कॉस्ट पे वन बाई है सेल पे वन बाई होगा सेल कितना है नौ लाख 9 लाख का yani 1 बाई फाइव कितना बने एक लाख अस्सी हजार नौ लाख का 1 बाई फाइव बनेगा एक लाख अस्सी हजार ठीक है ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट अब सेल्स आपको दे रखा है तो सीओ कैसे निकलेगा सेल्स माइनस जीपी आपका सी निकल आएगा तो सेल्स कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का है नौ लाख का माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वो है आपका एक लाख अस्सी हजार रुपए का तो आपको सी जी एस मिल जाएगा नौ लाख माइनस एक लाख अस्सी हजार सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का आपका आ गया यानी कि कॉस्ट ऑफ गुडसोल्ड सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर्मूला जरूर लिख के आना पेपर में मैं बार बार बोल रहा हूं अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमने निकाल लिया कितना वो ऑलरेडी दे रखा है नाइन लाख का इंटू हंड्रेड तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड से आपका सेवन लाख बाई नाइन लाख इंटू हंड्रेड एटी फाइव परसेंट और अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो आ गया परसेंट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू तो हंड्रेड माइनस फाइव परसेंट विच इज 15 परसेंट तो आपने ऑपरेटिंग रेशियो निकाला 100 से माइनस कर दिया आपका आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट्स इट यही आपको करना था इस क्वेश्चन में डन मूविंग टू नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो भी आपको दे रखा है आपको खुद इसका खुद का एक फॉर्मूला है और वही तुम्हें दे रखा है जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला होता है और वो आपको गिवन हो तो भैया आपको उसको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा तो उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो और जो जीपी है जो जीपी है वो ट्वेंटी परसेंट है किसका नहीं पता जब किसका नहीं पता होता तो सेल्स का ट्वेंटी परसेंट होता है

तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने का है सिक्स लाख एट्टी थाउजेंड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है आपको सेल्स गए एट लाख की डिवाइड लाख ,00 लेकिन ये जो आया एट्टी फाइव परसेंट ऑपरेटिंग रेशियो आया है और तुमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस एट्टी परसेंट और यहाँ भी आंसर कितना आ गया 15 परसेंट तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालो वो तो जानते ही हो निकालना और आप माइनस करके 100 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूरी तरीके से खत्म आई होप आपको ये समझ आ गया होगा रेशियो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नेट प्रॉफिट रेशियो अब नेट प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड खत्म तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दो और प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है वो आप ऐड कर दो अच्छा कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं क्लास यहां पे जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप घटाओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करो ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुल मिला के अगर मैं ये बोलू कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे घटा दो सारी कमाई को जोड़ दो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड और ये जो नेट प्रॉफिट है ना इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ध्यान रखना आफ्टर टैक्स ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स के बाद आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको पे करने के बाद का प्रॉफिट है ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो लिखो इसको फॉर्मुले एग्जामिनेशन जब होगा तो सुबह मैं आपको पूरे अच्छे से जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पच्चीस है तो जीपी रेशियो जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑब्वियसली किसका ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं लिखा है तो सेल्स का ही मानेंगे इट्स कैश सेल पर दो लाख जो कैश सेल है कैश सेल्स वो दे रखा है दो लाख का नकदी जो बेचा है वो दो लाख बेचा है क्रेडिट सेल्स और 90% ऑफ टोटल सेल जो क्रेडिट सेल्स है जो क्रेडिट सेल्स है वो 90% है टोटल सेल का यार एक मुझे बात बताओगे तो कैश सेल कितना होगा 10% होगा यार सिंपल सी बात है टोटल जितना भी आपने बेचा है उसका 90% आपने उधार बेचा है तो बाकी 10% आपने नगद बेचा होगा तो जो भी टोटल सेल है इसका जो दस परसेंट है वो आपने नगद बेचा है कैश सेल जो कि बनता कितना है दो लाख रुपए तो टोटल सेल आ गई बीस लाख रुपए की मतलब मुझे ये समझ आ गई यहां से कि टोटल सेल जो है वो ट्वेंटी लाख की है इस ट्वेंटी लाख का टेन परसेंट कैश सेल है दो लाख और नाइनटी परसेंट अठारह लाख जो आएगा वो क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल कितनी है यहाँ पे अठारह लाख है और ये कितनी है दस, दो लाख टोटोल्स तो तो कितनी बन गई क्लास ट्वेंटी लाख रुपीज ठीक है ये दो लाख है नॉट ट्वेंटी इट्स टू लाख ठीक है टोटल सेल कितनी आ गई हमारे पास दो लाख रुपए की इफ इंड एक्सपेंस ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है अच्छा जो जीपी वो 25 है तो जीपी सेल्स का पच्चीस परसेंट तो ,00 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये आ गया बीस लाख इसका पच्चीस परसेंट बनेगा पांच लाख ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट बीस लाख का पच्चीस परसेंट पांच लाख रुपए जो है वो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा अब एक चीज और देखो अब तुम्हें निकालना क्या है नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको मिल ही गया पांच लाख का ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल गया पांच लाख का इसमें से यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही है ये बस बीस हजार का वो घटा दो आप तो पांच लाख में से बीस गया तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका चार लाख अस्सी हजार और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू हंड्रेड चार लाख अस्सी हज़ार का नेट प्रॉफिट है अच्छा सेल पांच लाख नहीं है सेल बीस लाख है सॉरी सेल्स जो है वो ट्वेंटी लाख है तो फोर लाख एट्टी थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी लाख इंटू हंड्रेड ट्वेंटी फोर परसेंट तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो आ गया आपका वो आ गया ट्वेंटी फोर परसेंट सेल्स है ट्वेंटी लैक्स की ग्रॉस प्रॉफिट है पाँच लाख का उसमें से इनडायरेक्ट और तो कोई एक्सपेंस है ही नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस जो अदर एक्सपेंस है वो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक ही एक्सपेंस है वो आपने माइनस कर देना है

25 परसेंट यानी कि एक लाख रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अब जो सेल्स है सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है सी जी एस प्लस जी तो सी जी एस कितनी है चार लाख रुपए और जीपी कितना आ गया यहाँ पे एक लाख रुपए तो जो सेल्स की वैल्यू आ गई वो आ गई पांच लाख रुपए तो सेल है पांच लाख का सॉरी सॉरी सेल्स तो दे रखी, दे रखी है ना ऑलरेडी कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको सॉरी सेल्स आपको ऑलरेडी दे रखी है ना सेल्स तो है ही फोर लैक्स का सेल्स तो है ही चार लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चार लाख का सेल्स कितनी है चार लाख सीओ जी एस निकालना है और जीपी कितना निकल के आ गया एक लाख तो सीओ जी एस आ गया तीन लाख ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज थ्री लाख सीओजीएस आ गया तीन लाख का डन सीओजीएस मिल गया जीपी मिल गया अब तुम्हें क्या करना है ऑपरेटिंग रेशियो नाइनटी परसेंट दे रखा है तो ऑपरेटिंग रेशियो अगर नाइनटी परसेंट है तो परसेंट अगर ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मला क्या होता है सीओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है चार लाख इन टू हंड्रेड तो ये बन गया क्लास यहां पे दो जीरो से कैंसिल दो जीरो 90 इंटू फोर थाउजेंड इज इक्वल टू तीन लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो फोर थाउजेंड इन टू साठ हजार माइनस करोगे तीन लाख तो सिक्सटी थाउजेंड का आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका जो आ गया वो आ गया साठ हजार रुपए अच्छा अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट निकाला नेट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है ग्रॉस प्रॉफिट एक लाख रुपए का इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दो जो कि सिक्सटी थाउजेंड का है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दो टू थाउजेंड का है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बाईस हजार का अब ये सॉल्व कर लो और तो कुछ है ही नहीं ऑपरेटिंग इनकम का ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है तो एक लाख में से साठ हजार जाएगा वन लाख माइनस सिक्सटी थाउजेंड बचेगा फोर्टी थाउजेंड प्लस करोगे ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस करोगे टू थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड का नेट प्रॉफिट आ गया अब नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जो कि सिक्सटी थाउजेंड है अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम जो कि चार लाख दे रखा है चार लाख इन टू हंड्रेड तो सिक्स परसेंट क्वेश्चन सेवन हमारा डन एनपी रेशियो फिफ्टीन परसेंट नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान से समझना क्लास इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हर चीज से पहले का प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू हंड्रेड मैं एक बात और बता दूं बच्चों आप लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था वहां पे भी ऊपर जो प्रॉफिट था यहां भी सेम वही प्रॉफिट है ओके और अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें टैक्स भी एड करो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करो तो उसमें आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कई लोग पी की जगह ई बी लिखते हैं ई बी आई टी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि बात बिल्कुल ठीक है अब कैपिटल इंप्लॉयड के ना बहुत सारे फॉर्मले हैं मैं मोटा मोटी यहां पे तीन फॉर्मुलों को डिस्कस करूंगा सबसे पहला है नेट फिक्सड एसेट्स जिसको आप नॉन करेंट एसेट बोलते हो प्लस वर्किंग कैपिटल दूसरा है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट तीसरा है इन दोनों को जोड़ के कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन कर लॉन्ग टर्म डेट ठीक है यानी कि नॉन लॉन्ग टर्म डेट को नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं ठीक है नॉन करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी ठीक है चौथा टोटल लाइबिलिटी या टोटल असेट में से आप घटा दो करेंट लाइबिलिटी तो भी आपको क्या मिल जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड मिल जाएगा तो ये काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं कैपिटल इंप्लॉयड जो सूट करेगा वो हम लोग सेट कर देंगे और एक चीज़ और लिखवाऊंगा मैंने आपको बता भी रखा है पहले भी सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरसेंट टैक्स उसमें से घटाते हैं इंटरेस्ट तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगता है इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अगर कल को पेपर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है हमें ये चाहिए तो हम इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा फिर इसमें ये ये प्लस करेंगे तो ये आएगा और अगर ये दे रखा है फिर तो कोई बात ही नहीं है अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरन टैक्स आ जाएगा वही चीज क्लास मैंने यहां पे फॉर्मुले के रूप में लिख दिया है वही चीज मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी बना के भी दिखा दिया आपको आई बात समझ

कोई भी प्रॉफिट बनता है हंड्रेड परसेंट उसमें से चालीस परसेंट दे दिया तो ये जो बच्चा 60 है, तो चालीस परसेंट कितना होगा ये निकालना यह आएगा टैक्स भाई ये जो अमाउंट है, ये कर रहा है 60 को, तो चालीस परसेंट कितना होगा तो छह लाख डिवाइड बाई डिवाइड बाई सी इंटू फोर्टी तो चार लाख रुपए चार लाख रुपए हमारा आ गया टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में <coughs> टैक्स जोड़ दो इंटरेस्ट जोड़ दो बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है लाख उसमें टैक्स ऐड कर दो फोर लाख रुपीज उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो इंटरेस्ट है टेन लाख का टेन परसेंट क्योंकि आपको पता है परसेंटेज डिबेंचर से पहले जो कूपन रेट होता है ना इसी को इसी परसेंटेज को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट तो दस लाख का दस कितना बन गया एक लाख रुपए सिक्स प्लस फोर टेन प्लस वन इलेवन लाख रुपीज तो ग्यारह लाख रुपए का आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब आपको निकालना क्या ROI जिसका फॉर्मूला है ROI का ,00 लाख ,00 वो दे ही रखा है सीधा सीधा इंटू हंड्रेड है आपको एटी लाख ,00 का इंटू हंड्रेड तो ऊपर आएगा ग्यारह लाख नीचे आएगा एटी लाख है बस आपको शुरू में टैक्स की कैलकुलेशन करनी है भाई चालीस परसेंट दे दिया मैं जो भी कमा रहा हूँ उसका चालीस परसेंट दे दूंगा तो बचे कितना सिक्सटी परसेंट तो छह लाख अगर सिक्सटी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट कितना होगा टैक्स का अमाउंट कितना होगा

प्रॉफिट आफ्टर इंटरसेंट टैक्स वो एट्टी परसेंट बचा तो ट्वेंटी परसेंट कितना आपको निकालना पड़ेगा तो पच्चीस हजार ट्वेंटी फोर थाउजेंड का अमाउंट आ गया टैक्स काफ्टर इंटरसेंट टैक्स है इसमें आप इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को एड कर दो तो टैक्स कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे टेन परसेंट फोर लाख का टेन परसेंट कितना बनता है फोर्टी थाउजेंड

या इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर एक चैप्टर में मैं साठ क्वेश्चन तो क्लास में ही करवा रहा हूं और हम साठवें तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कैसा लगा कैसा समझ आया आपको और अगर आप इतना ही क्वेश्चन कर लो तो भी इनफ है <coughs> थ्योरी वोरी सब कवर है इसके अंदर आपको बताना है रीजन के साथ कि कौन सा ट्रांजेक्शन रेशियो को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं करेगा रेशियो में तो सबसे पहला है

चार्ज ऑन डेप्रिशिएशन बारह हजार पांच सौ मशीनरी बट डेप्रिशिएशन रिड्यूस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हेंस रेशियो डिक्रीज जिसकी वजह से रेशियो घटेगा भाई डेप्रिशन खर्चा है प्रॉफिट्स को कम करेगा और न्यूमरेटर कम होगा तो भी आंसर भी जो है वो कम होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय चेक भाई डिबेंचर जो भी रिडीम कर रहे हैं ना वो करंट लायबिलिटी है आप रिडीम कर रहे हो चेक से तो चेक भी कैपिटल इंप्लॉयड में नहीं आता और रिडम्शन जो कर रहे हैं डिबेंचर्स का वो करंट लाइबिलिटी में आता आता वो भी नहीं आता. तो रेशियो वुड नो चेंज यहां पे रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा एक लाख डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में तो जो डिबेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा और शेयर्स बढ़ जाएगा दिस लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल इंप्लॉयड वुड अब यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ रहा है ना तो रेशियो उठ क्या होगा डिक्रीज़ यहाँ पे रेशियो जो है वो क्या क्या हो जाएगा डिक्रीज़ होगा रेशियो जो है वो घट डिनोमीटर प्लस डिनोमीटर प्लस हो गया ना तो नीचे प्लस होगा रेशियो डिक्रीज़ लाइक like फोर बाई फोर है तो ये वन होगा लाइक फोर बाई टू वो नीचे कम हो गया नीचे बढ़ गया फोर बाई फाइव हो गया तो ये जीरो पॉइंट एट हो जाएगा तो रेशियो पहले से क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया तो आपको इंक्रीज डिग्री सही लिखना है बाकी जो रीजन है उसके लिए एक से दो लाइन आपको अपनी भाषा में सिंपल सीधी भाषा में एक्सप्लेन कर देना है दैट्स इट और आपको नंबर पूरे मिलेंगे तो साठ क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अकाउंटिंग रेशियोज को अच्छे से बना लेना इसके पीपीटी जो पीडीएफ है इन क्वेश्चन के मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा तो यहां तक अच्छे से समझ लो बना लो बाकी रिविजन सीरीज आने वाला आगे चल के उसको भी जरूर अटेंड करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेल टेक केयर बाय बाय कमेंट करके बताना जरूर और लाइक जरूर करना है बहुत बड़ा चैप्टर था मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए तो सपोर्ट करना शेयर करना अपने दोस्तों में इस वीडियो को